छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा बुधवार 1 मार्च से प्रारंभ हो गई, जिसमें बुधवार को कक्षा 12वीं के प्रथम पेपर हिंदी की परीक्षा दी गई। वहीं कक्षा 10वीं की परीक्षा 2 मार्च से आरंभ होगी। देश भर में जहां बोर्ड परीक्षाओं का दौर चल रहा है, वहीं छात्रों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। सीजी बोर्ड की परीक्षाएं बुधवार से प्रारंभ हो गई, जहां एक ओर बुधवार को 12वीं कक्षा की परीक्षाएं प्रारंभ हुई तो वहीं दूसरी ओर गुरुवार से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी प्रारंभ होंगी। बुधवार 1 मार्च को 12वीं कक्षा हिंदी के पर्चे के साथ प्रारंभ हुई। विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखा गया। परीक्षा केंद्रों में परीक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई थी। परीक्षा केंद्रों में विद्यार्थियों के लिए बैठने के साथ साथ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी की गई थी। विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं और हमारी तैयारी भी पूरी है। हम लोग क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और हम लोग को आज का एग्ज़ाम बहुत अच्छा लगा था और बहुत इजी आया था एग्ज़ाम। आज हिंदी विषय का था, नॉर्मल आया था, ना टफ था ना इजी था। बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे, सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं और मैं क्लास 12th में हूँ, श्रद्धा मॉन्टेसरी से आई हूँ और मुझे बहुत इजी क्वेश्चन पेपर मिला था तो मैं बहुत खुश हूँ। हिंदी विषय का एग्ज़ाम था, बहुत अच्छा एग्ज़ाम, सरल आया था बहुत। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्कूल एग्ज़ाम देने में सभी बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत इजी आया था, लेकिन मुझे और टाइम मिलता तो मैं और अच्छा कर सकती थी, लेकिन टाइम की थोड़ी वो हो गई, इसलिए मेरा पेपर अच्छा गया फिर भी, लेकिन और अच्छा जा सकता था। सेक्टर 11 खुर्सीपार के बीएसपी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर स्कूल की प्राचार्य ने न्यूज टीम को जानकारी दी है और अपने स्कूल में हो रही परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने की बातें कही। मैं बीएसपी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कुर्सीपार की मैं प्रिंसिपल हूँ और जैसे कि आज 12th बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है आज 1 तारीख से, और हमारे स्कूल में इस स्कूल को 4 अन्य स्कूलों का सेंटर बनाया गया है, जिसमें 312 बच्चे परीक्षा दिला रहे हैं और 11 कमरों में। तो इसकी जो पूरी व्यवस्था है, हमने बोर्ड के आदेशानुसार पूरी तैयारी के साथ आज परीक्षा का संचालन हुआ है। हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं पड़ा करना पड़ा, क्योंकि हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। हमने एक अलग से रूम की व्यवस्था की है, अगर कोई बच्चा सभी बच्चों के साथ में परीक्षा नहीं दिला सकता, उसके लिए एक अरम अलग से जो बच्चे बीमार हैं उनके लिए व्यवस्था कर रखा है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने स्कूल में पानी की पूरी व्यवस्था हर विंग में, हर कमरे के पास में व्यवस्था करके रखा है और उनके वॉशरूम की भी व्यवस्था करके रखा है, ताकि किसी भी बच्चों को दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े, एकदम पूरी तरह से वो अपनी ज़रूरत को टीचर के निरीक्षक के निगरानी में उनकी पूरी व्यवस्था हो सके। आने वाले 8 मार्च को होली का त्यौहार मनाया जाना है, परंतु इस वर्ष भी परीक्षा होने की वजह से विद्यार्थी इस रंग भरे त्यौहार का मजा लेने से वंचित रह जाएंगे। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए प्रवीण मिर्जे की रिपोर्ट।